अपना समय निकाल के यहाँ पधारे। देखिए मैं इतना क्षणी हूँ नागौर जिले का, मेरी माँ को 20 साल एमएलए रखा, 5 साल मेरी घरवाड़ी को रखा, मुझे 2,20,000 वोट दिए, इससे ज्यादा कोतिया मेरा था भी नहीं, इससे ज्यादा आप लोगों ने मुझे दिया। और मेरे से दस्तक हो सका मैंने समाज की सेवा बिना इस बात के कौन मेरे साथ है कौन मेरे साथ नहीं है आराम से किया। मेरी माँ की यही सीख थी बेटा, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने से वोट नहीं बढ़ते हैं। जिंदगी में कोई ट्रांसफर न मेरी माँ बाप मेरी माँ ने कराया कि ये खिलाफ था ना, हमने कराया। लोगों का भाई जो घर आया माँ बजाया बराबर है, मेरे घर आओ। 51 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ डाटों की, आज 130 लड़के पढ़ते हैं और उसमें पढ़े हुए लड़के ये सब आपके सामने बैठे हैं, ये जयराम साहब बैठे हैं, प्रेम राम जी बैठे हैं, सारे हैं। तो सच्चे से सच्चा रखा, अच्छे से अच्छा रखा, इनको भाई जैसे रखा, बेटों जैसे रखा। और अफसोस की बात है जो हॉस्टल में पढ़ने आए उनके पोते आ गए पढ़ने के लिए, और वो भी भाई साहब कैसे हैं, भाई साहब भी रहे और मैं पोते भी भाई साहब के हैं, 12 करोड़ घर का वाला कोई बात नहीं। मैं बहुत पुराने टाइम से भीलवाड़ा से जुड़ा हूँ, चेन्ना राम जी मेरे बहुत प्रिय थे, चेन्ना राम जी के पास मैं हमेशा आता था। और इलेक्शन उलेक्शन तो बात की बात है, इलेक्शन भी लड़े मगर चेन्ना राम जी और मेरे प्रेम में कभी कोई कमी नहीं आई। वो बीमार पड़े हॉस्पिटल में तो उनको लेके मैं जाता था, उनको यहाँ ले जाना हुआ तो मैं ले जाया, उनका शमशान घाट पे दाह संस्कार हुआ उसमें भी मैं था, और मेरा उनसे बहुत प्रेम था। इलेक्शन में मैं राम रूपा जी का भी लड़ा, आप मेरे खिलाफ थे मेरे भाई थे मगर कोई बात नहीं, मगर आपने शिकायत तो नहीं करी ना कभी। मैंने कहा राम रूपा जी जीते सबसे पहले उनके पहुंच हुए, उनको मड़ा कराई, और मैंने कहा जनता ने आपको चुना है, आप मेरे आदरणीय हो मेरे बड़े भाई हो, उनके परिवार में कोई शादी हो कोई फंक्शन हो आज तक मैंने नहीं छोड़ा, हमेशा रहा। राम सिंह बिश्नोई का भी इलेक्शन लड़ा, उनके परिवार की भी कोई शादी हो और हो तो उनके साथ लड़ा, हनुमान जी के सामने भी इलेक्शन मेरी वाइफ ने लड़ा, मेरे को कोई उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं। जबकि मेरा सगा मौसी सगा बुआ का बेटा भाई इनके बड़े भाई राम प्रसाद का साधु है, गुगर सेन जी की लड़की एक तो राम प्रसाद को बीवी थी और एक बीवी थी मेरे बुआ के बेटे भाई जो बीकानेर में गौरव है उसको। हमारे ठीक है अलग अलग सोच है, फिर भी ये जब हुआ मैंने कहा भाई बुलाओ सबको, ये काम जाट का है, ये जाट का है, ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। अपन 10 जीते हुए हैं यहाँ पे, प्रमुख भी अपना है, एमपी भी अपना है, वो गिनती तो जाटों में हो रही है ना, गिनती तो जाटों में हो रही है। यहाँ आपसे कौन कह रहा है कि आप अपना वोट इसको देना या उसको देना, यहाँ तो ये हाथ जोड़ के निवेदन है भाई वो उस दिन गिनती जाटों की होगी पार्टी की नहीं होगी, और जाटों के सिर गिने जाएंगे। मैं खड़ा हुआ एमपी के लिए, ईमानदारी की बात है, मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कोई मिनिस्टर बनूं वो करूं, मैंने कहा मेरे को भेजो अगर जीत गया तो वाजपेयी को चैन से नहीं रह दूंगा आरक्षण दे दूंगा। मैं हार गया मुझे खुशी है जाट जीत गया, आरक्षण को मिल गया, आरक्षण को मिला। और आरक्षण किसके मिला कि अपने सिर गिने गए वहां पे, पहली बार सिर गिने गए और उसके आधार पर उन्होंने दिया। हम तो घर बैठे पचास इकाउंटा से हॉस्टल चला रहे थे, ये सोचा भाई अब 76 साल का हो गया हूँ मैं, 76 साल का होने के बाद मैंने कहा भाई अब हॉस्टल छोड़ो, कुछ संघ का भी अध्यक्ष था उसको भी छोड़ो अपने घर बैठो। अब गोईता गोई थी कॉलेज में चले गए, अब कभी तो मैं भी आराम करूँ, ये थोड़ी है जाट बूढ़ा हो गया फिर कह दिया जा पैसे की तरह ही लिया। तो देखो मैं घर बैठा था मगर ये जाट का सवाल आया इसलिए मैं आया हूँ, और निवेदन ही कर सकता हूँ मैं, किसी को मजबूर भी नहीं कर सकता कि आप ये करो या नहीं करो, सब मेरे जैसे हो भी नहीं सकते। मेरे को तो 74 के अंदर राजपूतों ने पीटा था, उसमें दो जाट भी थे फोड़ने में, उनको भी माफ कर, मैंने कहा इनको हाथ नहीं लगूंगा जाट, इनको शर्म आएगी तो सारी जिंदगी आएगी, और इनको तोड़ दिया ना तो ये सारे कहेंगे हमने ठोका उन्होंने ठोक लिया बराबर। आज तक 3 हॉस्टल बना दिए जयपुर में, एक पैसा चंदा नहीं लिया किसी से, एक पैसा भी चंदा ना तो इलेक्शन में लिया ना और लिया, और आगे मेरे कुछ बनने की संभावना नहीं। मैं तो चाहता हूँ जाटों का कोई लड़का ऊपर जाए तो मेरा कंधा छोटा है कंधा नीचे, मेरा सिर पे पावर के ऊपर चढ़े वो भी मर दिया। आप लोगों से निवेदन है कि छोटे मोटे भूल जाओ, इनमें कुछ नहीं रखा, ये 4 दिन की बातें हैं, बाद में सब एक हो जाते हैं, कौन पार्टी किसकी पार्टी किसके वोट किसके नहीं, अपना खून बहुत गहरा है,
इस खून के कारण इस खून की ताकत अंग्रेजों ने पहचानी थी। राजपूतों के हजारों राजघराने थे, जाटों के तो वो ही थे, धौलपुर और भरतपुर वो भी इनके लकड़ी लगते थे। लड़ाई हुई भरतपुर में, 5,000 अंग्रेज मरे, 5,000 अंग्रेज मरे। उसके बाद भी अंग्रेजों ने क्या किया कि जाट पलटन बनाई, और पलटन तो जाति की दो ही पलटन बढ़ाई, एक तो बढ़ाई भाई और राजपूत और एक बढ़ाई जाट। मगर जाट के सिर पे मोट रख दिया, कैसे? थर्ड जाट को रॉयल जाट बटालियन कहा गया। आज तक जितने भी हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट है उसकी सुरक्षा के लिए जाट और राजपूत ही है, मगर उसमें भी अपन 66% है, क्योंकि 33% जो सरदार जाट है, 33% अपने जाट है और 33% राजपूत है। और आज भी हिंदुस्तान में सिर्फ एक प्योर जो रेजिमेंट है, जो सिर्फ जाति की एक प्योर रेजिमेंट है, वो जाट रेजिमेंट। अपनी ताकत को पहचानो जवानों, वोट तो रोज आते हैं, रोज जाते हैं। किसने देखा क्या आया और क्या गया? मेहनत तो अपने को करके कमा के खाना पड़ेगा। एक दिन दे दो, 22 साल पहले आपने एक दिन दिया था जाटों को, जाटों के देखो मुंह में वो गोली आई है जो चूसते जितनी मोटी होती है। अब अपने को जो आरक्षण मिला उसके अंदर 5% तो गुजरों को देती, उसके अंदर भी कहना है उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको लो। अरे जाट तो पहले ही रो रहा था कि भाई कैम खानियों को दो, सिंधी मुसलमानों को दो, बिश्नोइयों को दो, सरदारों को दो, हम तो सबके लिए लड़ रहे थे। हमारे तो काट कूट के पंख बिल्कुल छोटे करती है। अभी 12 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने फैसला किया भाई 27% करो। छत्तीसगढ़ में लागू है, तमिलनाडु में लागू है और एक और जगह 3 राज्यों में लागू है, हमारे भी लागू कर दो भाई। मगर अपनी बात कौन सुने? वो जमाना गया, भूल जाओ उस काम को। नाथुराम जी और परशुराम जी और बलदेव राम जी और चौधरी चरण सिंह जी और देवीलाल जी से वो काम गया, उस टाइम लठ बसता था जाटों का, आज तो हाथ जोड़ के काम चला रहे हैं। वो जमाना देखा हुआ है, सिविल लाइन में आके पूछते थे ये बंगले किसके हैं, अरे ये बंगला कुमार राम जी का है, ये किसका है दौलत राम जी का है, ये किसका कमला बेनीवाल का, ये किसका शीर राम जी का, ये किसका रामदेव जी मेरिया का, ये किसका है भीमदेव जी बेनीवाल का है, ये किसका है मदन कौर का, ये किसका गंगाराम जी डुबिया का, ये किसका बंगले बंगले थे। सेंटर में अपना उसके कारण क्या है? अपन बिखर रहे, आज अपनी जड़ें कमजोर हो रही हैं। इसको कमजोर जड़ों को मजबूत देने वाले आप लोग, अगर आप लोग इकट्ठे होके और आगे अपना मन करोगे ना और लोगों को समझाओगे कि भाई जाट एक हो जाओ अपने। देखो आज गडकरी है सेंटर का मिनिस्टर है, आपने उसका पढ़ा नहीं होगा, वीडियो चल रहा है सब जगह, ब्राह्मणों का सम्मेलन है 17-18-20 मार्च को, ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण उसमें आए। हमारे वालों को बात जाते शर्मा, वोट तो जाटों का लेंगे और देने भी चाहिए। मैं हॉस्टल चलाता हूँ, हॉस्टल में क्या लगा भाई, हॉस्टल का कोई लड़का इलेक्शन नहीं लड़ेगा, मगर अगर मेरे खिलाफ भी कोई लड़का लड़ता है, खिलाफ है मेरे खिलाफ है और एक ही जाट है ना, तो आपको खत्म है, अपने माँ बाप की वोट उसी को देना। वोट को उसी को मिलना चाहिए, विचार तो मिले नहीं मिले खून तो मिलना चाहिए सर। और विचार तो आज है, आप विचारों का क्या क्या कीमत है विचारों की? पिक्चर हॉल में जाते हैं वो हीरोइन मर जाती है, हीरोइन की माँ मरती है, हीरोइन रोती है अपन भी साथ रोते हैं, अब पूछो खरा असल में मरा है क्या, रोते हैं बिना मतलब। इसलिए आप लोग सब पढ़े लिखे हो, छोटी मोटी किसी गलती भी है उसे भी माफ करना, माफ नहीं करना भुला देना, एक दिन के लिए भुला देना। एक दिन तो जयपुर आके अपना जाटों वाला भगवा एक बार तो फिर फहराओ, जाटों का तेजाजी वाला झंडा फहरना चाहिए एक दिन, और लोगों को मालूम पड़ना चाहिए जाट क्या है। इसलिए मैं आप हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, हमारे तो यही है, हम पता नहीं कितने दिन के हैं, जब हमारा टाइम था हम गड़े ही दौड़ते थे, खूब काम करते थे, चंदा भी देते थे, 2.5-3 करोड़ तक चंदा दे रखा मैंने लोगों को, क्योंकि मैं खुद हॉस्टल चलाता हूँ, बोलो कोई चिंता नहीं, भगवान तेजा नहीं देता मेरे को, मेरे पास क्या है। इसलिए मैं आपसे निवेदन है उस दिन ज्यादा ज्यादा संख्या आए, छोटी मोटी गलत फहमियाँ दूर करें, एक दूसरे के प्रति कोई भावना भी है उसको भी एक दिन के लिए बढ़ा, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में करो। ये तो हम आपके लिए कर रहे हैं, हमारे लिए क्या,